तो गाइस हेलो गाइस तो गाइस ये रहा ऑरेंज का ट्री, एक खुद निकल के खाएगा आज फर्स्ट टाइम, तो देखता है कैसा होता है। ये वाला ले लिया। हेलो गाइस, वेलकम माय ब्लॉग। आप सभी को स्वागत है हमारा चैनल रेडर बर्मन पे। तो आज फिर से दीरन पे स्टे किया था कल रात को, तो अभी हम जस्ट सुबह सुबह उठ चुके हैं और अभी हम लोग रेडी हो गया। आज हम जाने वाले हैं घर पे, अगर ठीक ठाक सब हुआ तो फिलहाल पहले जाएंगे बोमडिला पे और वहाँ पे थोड़ा शॉपिंग वगैरह करके मार्केटिंग पे क्या क्या मिलता है देखते हैं, फिर चलेंगे हम घर पे। तो ब्लॉग जरूर देखते जाना और आई होप से आप लोग को अच्छा लगेगा देख के, तो जरूर देखना और शेयर भी कर देना दोस्तों के साथ। उसका बाद कल हम लोग रात को दिरंग में भी कुछ शॉपिंग वगैरह किया, तो वो ब्लॉग पहले आप लोग चेक कर लीजिए। तो अभी मिलते हैं सीधा आप लोग से बाइक पे। तो गाइस अभी हम लोग यहाँ से फिलहाल निकल रहे हैं बोमडिला की तरफ, मतलब घर ही जाएगा। और देखो गाइस, सेला बजाने के में गिर गया था, ये पूरा क्या हो गया, इसलिए गार्ड बहुत ज़रूरी है गाइस, गार्ड पहन के ये सब जगह में आना चाहिए। तो जो भी हो गाइस, निकल रहे थे और हम लोग यही हॉस्टल पर स्टे किया था। आप लोग देख सकते काफ़ी अच्छा होटल है, आने से आ सकते हैं आप लोग। तो अभी चलते हैं यहाँ से, मिलते हैं रास्ता में। तो गाइस अभी जस्ट दिरंग क्रॉस किया हमने, वो मतलब गेट पार हो गया। अभी रास्ता पूरा एकदम अच्छा वाला, जैसे कि हम पहले एक ब्लॉक पे बोल ही चुका था। अभी हम बोमडिला पहुँचेंगे थोड़ी देर बाद। यहाँ से रास्ता काफ़ी स्मूथ है, काफ़ी मस्त वाला रास्ता है, एकदम कोई भी डैमेज वाला नहीं है, वाइड भी है काफ़ी ज़्यादा। और यहाँ पे चला के भी बाइक बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। बीच में थोड़ा थोड़ा ख़राब रास्ता मिलता है, मतलब ये वाला में नहीं, मतलब टाउन का पहले, क्योंकि वहाँ पे टाउन होता है, घर होता है, मार्केट होता है, इसलिए शायद इतना अच्छे से रिपेयर नहीं कर सकते। लेकिन ये सब जगह पूरा मस्त है ये सब रास्ता। तो अभी हम हिल से काफ़ी नीचे आ चुके हैं और बोमडिला के लिए, मतलब और फिर ऊपर उठना पड़ेगा अभी थोड़ी देर बाद, ऐसा ही होता है। अभी मतलब हम दूसरा हिल पर आ चुके हैं, दूसरा हिल से देखते रहिए ब्लॉक। और गाइस अगर बात करो ये बाइक का हैंडल का, तो ये हैंडल काफ़ी ज़्यादा, मतलब मुझे क्या बोलते हैं इसको, कंफर्ट दिलाया है, मतलब काफ़ी अच्छा लगा ये, मतलब कोई भी लॉस नहीं हुआ हैंडल चेंज करके। और मतलब ये कोई किसी का हैंडल चेंज करते हैं ना, उसको थोड़ा लूज हो जाता है। मैं भी देखा तो मैं भी सोचा शायद मेरा भी होगा, लेकिन थोड़ा अच्छे से फिक्स करने से, थोड़ा मतलब कस्टमाइज करके तो आप अच्छा से फिक्स कर सकते हो। तो इसे अच्छे से फिक्स करने से और बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो ये हैंडल काफ़ी अच्छा दिया और प्लस में मोतुल का इंजन डालता हो, तो वो भी काफ़ी स्मूथ है और माइलेज भी काफ़ी अच्छा दे रहे हैं। और अभी तो मतलब एक्चुअली मेरा मोबाइल चेंज करने का, मतलब इंजन ऑयल चेंज करने का तो डेट आ भी चुका था, फिर भी मैं आ गया, जैसे रास्ते में चेंज करा लेंगे, लेकिन कुछ भी दिक्कत नहीं मिला और रात भी नहीं मिल रहा, अभी भी काफ़ी स्मूथ हो रहा है अभी भी। तो इसलिए मोतुल बहुत बढ़िया है गाइस, दूसरा भी अच्छा अच्छा होगा, लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस का बोल रहे हैं, मोतुल का मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा। तो अभी हम घर पे जाके सर्विसिंग भी कराना है बाइक को, बंदा भी काफ़ी हुआ, धुलाना भी पड़ेगा। तो यही है और रास्ता काफ़ी सेक्सी है गाइस, ये वाला। अगर आप सिंगल आते हो तो और भी मस्त है ऐसा वाला रास्ते में, लेकिन बर्फ़ में सिंगल जाने से थोड़ा कष्ट होगा गाइस, मतलब जलाने में तो नहीं, मतलब अगर बाई चांस लैब गिर जाते हो तो उस टाइम डबल होने से थोड़ा हेल्प मिलता है ना फर्स्ट जाने से भी, लेकिन सिंगल होने से बहुत कष्ट होता है इस टाइम पर। तो गाइस अभी हम फिलहाल फिर से एक दूसरा पहाड़ पे आया, वो वाला पहाड़ से रास्ता उधर था, अभी ये दूसरा पहाड़ है। तो शायद 27 या 8 किलोमीटर है बोमडिला। गाइस अभी हम लोग और एक पहाड़ पे जाने वाले हैं, ये पहाड़ ख़त्म होने वाला है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं वो वाला पहाड़ जो है वहाँ पे रास्ता तो है नेक्स्ट पे, वो रास्ता पे। अभी ये देखो जहाँ जहाँ पहाड़ों का जॉइंट है वहाँ वहाँ एक ब्रिज रहता है, ऑलमोस्ट कभी कभी नहीं रहता, ज़्यादातर रहता है ये, जैसे कि यहाँ पर भी एक है ये रहा। तो ये ऐसा ब्रिज ही होता है जो ज्वाइन करते हैं दो पहाड़ों को ज़्यादातर। ये रहा, ये ब्रिज क्रॉस कर लिया, हम अभी दूसरा पहाड़ पे आ चुका है। तो गाइस हम फिर से आया दूसरा पहाड़ में, वो वाला पहाड़ जो दिख रहा है उधर से अभी इधर आया फिर से हम लोग।
तो ये वाला दूसरा पहाड़ है, फ्यू मोर टू गो, बोमडेला पहुँचने वाला है। और अभी देखो स्नो फिर से स्टार्ट हो गया, ये देखो गाइस रास्ते में स्नो गिरा हुआ है। बोमडेला में भी एक्चुअली स्नो गिर रहा है, तो बोमडेला पहुँचने वाला है, तो इधर में भी अभी स्नो दिखाई दे रहा है। और इधर में थोड़ा ठंडा भी ज़्यादा है कंपेयर टू डिरंग। एक्चुअली डिरंग पे इतना ठंडा है भी नहीं, रात को तो सोने का टाइम पर गर्म भी लगा था थोड़ा थोड़ा। तो बोमडेला में ठंडा है और तावांग तो बोलो ही मत, तो मतलब वो सेला पास साइड से और ठंडा है। जो डिरंग का मेन मार्केट एरिया है वहाँ पर इतना ज़्यादा ठंडा नहीं है, ठंडा है क्योंकि अरुणाचल ही है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है। तो अभी बोमडेला पहुँचने वाला है, देखते हैं अभी बोमडेला जगह क्या क्या होता है। टाइम तो है अभी भी हमारे पास, बोमडेला से हम लोग बस 12 बजे जैसे भी हो निकल जाएंगे। अभी फिलहाल 9:12 हो रहा है तो टाइम है, अभी हम 9:30 का पहले बोमडेला तक पहुँच ही जाएगा। तो 10-11 ऑलमोस्ट 2 आवर्स जैसा, 2 आवर्स से थोड़ा ज़्यादा ही हम लोग का बस रहेगा। इतना आसिल ना, इतना आसिल ना पूछ रहा हूँ। ओ बोमडेला इधर से जाता है ना, रुकिए से। फाइनली बोमडेला मिल गया मार्केट एरिया, तो अभी देखते हैं कहीं पे बाइक पार्क करते हैं, उसके बाद थोड़ा बोमडेला का और कुछ खाना भी है क्योंकि बहुत भूख लग रहा है, तो कुछ खा थके। ये रहा बोमडेला का पुलिस स्टेशन, तो देखते हैं अभी क्या क्या मिलता है यहाँ पे, देखते रहिए आप लोग को। तो बोमडेला का मार्केट मिल गया। एक्चुअली गाइस डिरंग से बोमडेला का मार्केट थोड़ा बड़ा है ज़्यादा, और थोड़ा फैला हुआ भी है। डिरंग का डायरेक्ट हम तो दिखाई चुका था ऑलमोस्ट, तो बोमडेला का थोड़ा फैला हुआ है और ज़्यादा ऊंचा नीचा है, मतलब पैदल वॉक करने में थोड़ा थक जाता है, या मतलब आदत नहीं होने से थकी गई ऑब्वियसली। इसलिए अभी कुछ खाने के लिए दुकान ढूंढना पड़ेगा एक। तो गाइस अभी हम लोग बोमडेला पहुँच चुके हैं मार्केट एरिया पे, आप लोग देख सकते हैं। तो थोड़ा घूमता है मार्केट अभी। तो गाइस हेलो गाइस तो गाइस हम लोग अभी रुके हुए एक दुकान पे खाना खाने के लिए, थोड़ा खाना खा के निकल जाएगा। ये बोमडेला पे ही है हम लोग सब रुका हुआ है यहाँ पे। ये दोनों चिकन फ्राइड राइस मंगाए और हम लोग पोर्क, अरुणाचल का पोर्क भी ट्राई करके जाएगा। यक भी खाने का मन था लेकिन नहीं मिला, तो अभी घर जाएगा, कभी नेक्स्ट में ट्राई करेगा। तो गाइस फाइनली खाना आ चुका है देख सकते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ नोटिस किया मैंने, फ्राइड राइस वगैरह मंगवाने से सूप देता है यहाँ पे, तो देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं बाइक पे, शॉपिंग वगैरह भी हो गया फिलहाल। तो गाइस हम लोग अभी जस्ट बोमडेला से निकला, थोड़ा 5 मिनट जैसे वहाँ निकल के खा था के, तो
तो यहाँ पे भी मोनेस्ट्री है, दिखाई तो दिया लेकिन उधर जाने से हम लोग का लेट हो जाएगा, आज घर भी पहुँचना है इसलिए स्किप कर दिया, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी एक मोनेस्ट्री अच्छे से घूम ही चुका है। ऑलमोस्ट सब सेम ही होता है, बस डिज़ाइन वगैरह वो सभी, मतलब प्लेस लेके, कोई कोई सीनरी ज़्यादा अच्छा दिखता है प्लेस में, कोई कोई नॉर्मल सा लगता है, वही है। बाकी तो ऑलमोस्ट सेम ही है मोनेस्ट्री। और इसे भी जाने का मन था, जाने से अच्छा भी था, लेकिन अभी टाइम नहीं होगा क्योंकि उधर पे जाके घूमने इधर में 2-3 घंटा लग ही जाएगा, तो इसलिए स्किप कर रहे। कभी बाद में आएगा तो ज़रूर घूमेगा इधर का मोनेस्ट्री भी। वैसे देरांग से यहाँ पे ज़्यादा मोनेस्ट्री है, शायद घूमने का जगह भी इधर में थोड़ा ज़्यादा है ऐसा लग रहा है, और मार्केट भी इधर का थोड़ा बड़ा है, और यहाँ पे मतलब देरांग का कंपेरिजन में ठंडा है। और यहाँ पे आप लोग अगर आएगा देरांग पे, सब शॉपिंग मत कीजिएगा, यहाँ पे भी एक बार देख लो। यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ों का दाम तो कम ही है लेकिन कुछ कुछ का ज़्यादा है देरांग से। जैसे कि आप अगर ऑरेंज वगैरह का बात करेगा, फ्रूट्स वगैरह का, तो यहाँ पे देरांग का कंपेरिजन से दाम ज़्यादा है। और अगर ऑर्नामेंटल्स कुछ सामान वगैरह का देखेगा तो यहाँ पे थोड़ा रेटिंग रेट कम है, थोड़ा ही डिफरेंस है, ज़्यादा नहीं, लेकिन वेराइटीज़ यहाँ पे आपको ज़्यादा मिलेगा देरांग से। देरांग से बस थोड़ा बहुत ही मिलेगा, ज़्यादा नहीं है, लेकिन यहाँ पे वेराइटीज़ मिलेगा आपको, मतलब कुछ भी हो बहुत सारा चीज़ यहाँ पे मिल जाएगा। और देरांग पे एक दो दुकान है जहाँ पे बहुत सारा वेराइटीज़ है, एक पे चॉकलेट वगैरह का बहुत सारा कुछ कुछ है, हम लोग जहाँ स्टे किया था उसका पास पे ही। और जूता का कलेक्शन भी है, जूता का कलेक्शन यहाँ पे भी है गाइस, लेकिन यहाँ पे दाम नहीं पूछा। और जो देरांग पे भी बोला उसका भी दाम इतना ज़्यादा भी नहीं था, मतलब हम लोग बार्गेनिंग करने से कमा देते हैं थोड़ा, और लेकिन सब फास्ट कॉपी है, ज़्यादातर ओरिजिनल सेट नहीं है। मतलब हम लोग जो नॉर्मली फास्ट कॉपी कुछ कुछ होता है, कोई कोई ऑर्डर देता है इंस्टाग्राम में, उससे तो ज़्यादा ही अच्छा है ये, मतलब उधर पे थोड़ा ज़्यादा प्राइस लेता है, उससे इधर में अगर आप आ ही गया तो इधर से आप ले सकते हैं, ये नहीं कि शॉपिंग करने के लिए इधर आ जाओ, ऐसा भी नहीं है। लेकिन अच्छा अच्छा कलेक्शन है बहुत गाइस, ज़्यादातर नाइक जॉर्डन ये सब का देखा मैं। मैं खा चला चला उड़ बढ़ता गया, जो मारी रा में साथ सांस लेता गया। फिर से एक पहाड़ पे आया, वो पहाड़ से ये पहाड़ पे, ऐसा करके बहुत सारा पहाड़ क्रॉस किया, अप्रोक्सीमेटली 20 से भी ज़्यादा होगा सर। और ये वाला पहाड़ इसलिए बोल रहा हूँ गाइस, ये वाला मतलब हिल पे भी स्नो गिरता है, और जब आप आएगा तो ये वाला हिल फर्स्ट मिलेगा जहाँ पे स्नो आपको दिखाई देगा। और अभी जो हम लोग जा रहे हैं यही लास्ट है, अभी तक ऊपर तक गया नहीं, अभी नीचे ही है, ऊपर में और भी थोड़ा ज़्यादा होता है। ये वाला स्नो सेलापा जैसा तो नहीं होता, ऐसा ब्लॉक वाला नहीं होता, लेकिन स्नो है इधर, ये आप लोग देख सकते हैं रास्ता में, और ऊपर में थोड़ा ज़्यादा भी मिलता है, अगर हुआ तो दिखा देगा। ये रहा देखो गाइस, स्नो जम चुका है यहाँ पे पूरा, ऐसा वाला मिलता है यहाँ पे भी। तो गाइस यहाँ पे रास्ता ब्लॉक हो चुका है, आने करने पे ऐसा नहीं था, शायद बारिश दिया था, बारिश तो नहीं सॉरी हवा वगैरह, ट्री वगैरह भी बहुत टूटा हुआ था रास्ते में मिला, और बहुत सारा ऐसा दिखा, आने करने में पूरा क्लियर ही था, अभी ब्लॉक हो गया, अभी और ऐसा हो गया, तो थोड़ा टाइम लगेगा अभी निकलने का, ट्रक निकलने से जाते हैं। तो गाइस यहाँ पे ऑरेंज मिल चुका है, ये रहा ऑरेंज का पूरा गार्डन। तो हाँ तो गाइस ये रहा ऑरेंज का ट्री, एक खुद निकल के खाएगा आज फर्स्ट टाइम, तो देखता है कैसा होता है, ये वाला ले लिया। तो गाइस मेघालय में जो चेरी ब्लूसम देखने के लिए जाते हैं वो अरुणाचल में भी मिल गया एक्चुअली, मतलब यही फ्लावर होता है, सेम ही दिखता है, यही है, कोई कमेंट करके ज़रूर बताना ये है कि नहीं। फाइनली अरुणाचल का पूरा पहाड़ ख़त्म करके असम अरुणाचल का बॉर्डर पे आ चुके हैं, ये रहा ये चेक पोस्ट है थोड़ा देर आगे। तो गाइस फाइनली हम लोग असम एंटर कर चुके हैं, और यहाँ पे आके थोड़ा गर्मी लग चुका है ऑलरेडी, एक्चुअली जब अरुणाचल से नीचे उतरा तभी थोड़ा गर्मी लगा,
तो इधर आके थोड़ा गर्मी लग रहा है, शायद थोड़ा कपड़ा खुलना पड़ेगा अभी। तो जो भी हो, अभी हम लोग असम ऑलरेडी एंटर कर चुके हैं और अभी यहाँ से हाईवे पहुँचते पहुँचते आई गेस सो एक डेढ़ घंटा लग जाएगा, उसके बाद हाईवे से सीधा घर में जाने वाले। तो आई होप सब लोग को ब्लॉग देख के अच्छा लग रहा है, यहाँ तक देखी है तो ज़रूर लाइक कर देना गाइस, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो गाइस हम लोग जस्ट अभी बोरोमा मिला, मतलब हाईवे पे, यहाँ पे रुक के कुछ खाया थोड़ा देर। तो गाइस जैसे एक्सपेक्ट किया था ऐसा नहीं है, एक डेढ़ घंटा छोड़ी लो, दो घंटे से भी ज़्यादा लगा रास्ता। एक्चुअली गाइस जब जा रहा था ना, शायद एक्साइटमेंट की वजह से पता ही नहीं चला मतलब कितना लंबा रास्ता था, पर आने का टाइम में थोड़ा बोरिंग भी लगा काफ़ी, मतलब बहुत लंबा लगा रास्ता। तो 90 किलोमीटर से ज़्यादा ही है तो इसलिए टाइम लगा, और रात को थोड़ा बाज़ार, जहाँ जहाँ बाज़ार है वहाँ पे थोड़ा स्लो भी आना पड़ा ऐसा। तो जो भी होगा इस आज का ब्लॉग इधर ही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे। आई होप सब लोग को अच्छा लगा देख के, अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करना, चैनल पे नया तो सब्सक्राइब कर देना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करो गाइस। तो अभी फिलहाल घर जा रहे हैं, तो सी यू इन माय नेक्स्ट ब्लॉग गाइस। सजना जी मैनु छड़ के नहीं जाना कदी, झूठे वादे सही दिल से निभाना कदी, लंबी रात सही ख्वाब तो दिखाना कदी, मैं हूँ तारा तेरा चांद बन जाना कदी।